हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है एमएम टेक्निकल चैनल में। तो गाइस आज हम बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हैज टिकटॉक हैज स्टॉपिड, ये जो आपके प्रॉब्लम आती है अनफॉर्चुनेटली की, तो आज इसको आप कैसे इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं और आपका जो टिकटॉक अकाउंट है उसको आप सही कर पाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो गाइस ये जो प्रॉब्लम आती है आपके मोबाइल के जो ऐप्स रहते हैं, आपकी जो मेमोरी की, आपके मोबाइल की जो स्टोरेज है वो अगर फुल हो जाती है तो ये प्रॉब्लम आती है। जो आपका टिकटॉक है, आप उसमें वीडियो डाउनलोड करते हो तो वो मेमोरी में सेव हो जाती है और फुल होने के कारण मेमोरी ये टिकटॉक अनफॉर्चुनेटली बताता है। तो आप इसको कैसे क्लियर कर सकते हैं तो मैं आज यही बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो गाइज अभी तक अगर आप चैनल पर नए हो, इस पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और अनबॉक्सिंग से रिलेटेड जो मेरी वीडियो आती है मैं उसमें देता हूँ मोबाइल रिचार्ज। तो आप उस वीडियो पर फॉलो, वीडियो को जाके फॉलो करके आप जीत पाओगे दुबई से मोबाइल रिचार्ज बहुत ही आसानी से। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरिफ अलीक, आप देख रहे हो एमएम टेक्निकल चैनल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज पहले मैं बता देता हूँ आपके जो टिकटॉक में कहाँ पे जो आती है, जब आप वीडियो, जैसे कि मैं जाता हूँ टिकटॉक अकाउंट पे तो कहाँ आपको प्रॉब्लम आती है कि जैसे कि मैं ये यहाँ पे आ गया हूँ, तो जैसे कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो हम यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे अगर यहाँ पे हम वो करते हैं, प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पे प्रेस करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली टिकटॉक हैज स्टॉप इट यहाँ पे आता है। तो आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो पहले हम अपने जाएंगे मोबाइल के सेटिंग में, तो ये सेटिंग में से प्रॉब्लम इसकी सॉल्व हो जाएगी। तो हम सेटिंग में इसकी जाएंगे, तो सेटिंग में हमको नीचे स्क्रॉल करके जाना है और यहाँ पे हमको आ रहा है अप्स, हमें यहाँ पे अप्स पे क्लिक करके अंदर जाना है। तो ये पूरे मोबाइल के जितने भी अप्स हैं आपके मोबाइल में, तो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें नीचे सर्च में जाना है टिकटॉक पर, तो हम अपने टिकटॉक पर जाते हैं। तो ये हमारा टिकटॉक रहा, तो गाइस ये टिकटॉक आ गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, और एक तरीका और है आपको मैं बता देता हूँ कि आप अपने टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर लीजिए, फिर इसको इंस्टॉल करने के बाद में आप अपने मोबाइल को रिफ्रेश मार लीजिए, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मगर आप ये ऐसे कोई भी, अगर जो मैंने बताई है अगर उससे प्रॉब्लम नहीं होती है, तो जो मैं ये बता रहा हूँ ये वाला तरीका, तो इससे आप अपने टिकटॉक को सही कर पाएंगे। तो हमें नीचे स्क्रॉल करके जाना है, तो यहाँ पे देखिए लिख रहा है क्लियर डेटा, तो हमें जो इसका क्लियर डेटा है उसका क्लियर डेटा हमें कर देना है, क्योंकि इसका जो डेटा है वो फुल हो गया है और इसलिए वहाँ पे जो है कि हमको बताता है। तो यहाँ पे ये टोटल अप्स एसडी, तो यहाँ पे देखिए एसडी कार्ड, ये यहाँ पे जो भी आपका है यहाँ पे नहीं है, ज़ीरो बता रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये क्लियर डेटा है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ऑप्शन ऐसा वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको ओके कर देना है और यहाँ पे हमें हमारा जो क्लियर डेटा है वो जो है कि क्लियर हो गया है। तो आपको इस प्रकार करने से आपका जो टिकटॉक अकाउंट अनफॉर्चुनेटली बताता है वो नहीं बताएगा, आप अब आप वीडियो डाउनलोड कर पाएंगे। तो गाइज बस फ़िलहाल वीडियो में इतना ही, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, क्योंकि मेरी
जो अनबॉक्सिंग से रिलेटेड वीडियो आती है मैं उसमें देता हूँ मोबाइल रिचार्ज, तो आप उस पर जाके उस वीडियो को फॉलो करके जीत पाओगे मोबाइल रिचार्ज। तो बस गाइज फ़िलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।